नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले के अतुलिया थाना क्षेत्र के मांगुरगढ़ गांव में शुक्रवार की सुबह गन्ने के खेत में नाबालिग किशोरी का अर्धनग अवस्था में शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतका पड़ोस के गांव की रहने वाली थी तथा गुरुवार को अचानक लापता हो गई। शुक्रवार को उसका शव गन्ने के खेत में पाया गया। किशोरी के दुष्कर्म के बाद मौत के घाट उतारने की आशंका व्यक्त की जा रही है। वही सूचना के बाद फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड टीम के साथ आला अधिकारी मौके पर घटना की छानबीन में जुटे हैं। अतुलिया थाना क्षेत्र के सिलहा पट्टी गांव में निवासी पृथ्वीपाल निषाद की 17 वर्षीय किशोरी मुन्नी गुरुवार को 3 बजे घर से गोबर लेकर खेत में गई थी। मुन्नी के शाम तक देर न आने पर परिवार के लोग उसकी तलाश शुरू किए। काफी तलाश के बाद भी उसका कहीं पता नहीं चला। अनहोनी की आशंका में परिवार व गाँव के लोग रात में तलाश करते रहे, लेकिन कहीं भी उसका पता नहीं चला। शुक्रवार की सुबह पड़ोसी गाँव के मांगुरगढ़ के लोगों ने एक गन्ने के खेत में जाकर ढूंढा तो बाहर चप्पल और खून गिरा देखा। चप्पल पर भी खून लगा हुआ था, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और गन्ने के दूसरे खेत में तलाशी करने लगी। किशोरी का शव अर्धनग अवस्था में मिला, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने इसकी सूचना उच्च अधिकारी को दी तो पुलिस अधीक्षक के साथ फॉरेंसिक व डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची। करीब 3 घंटे तक पुलिस ने बारीकी के साथ घटना स्थल का निरीक्षण किया। वही पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया कि सुबह डायल 112 की सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। उसके बाद सभी अधिकारी मौके पर पहुंचे। घटना की गहनता से छानबीन की जा रही है। पुलिस के हाथ कुछ महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे हैं। इसके साथ ही परिजनों ने कुछ लोगों पर संदेह जताया। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। आज सुबह 7 बजे पुलिस को 112 नंबर पर सूचना मिली है कि एक 17 वर्ष लगभग की उम्र की लड़की जो सेलरा पट्टी की रहने वाली है, ये गायब है। और उसके बाद पुलिस मौके पर आई है, सर्च किया गया पूरे एरिया को, तो एक जगह से चप्पल और दूसरी जगह से एक डेड बॉडी मिली है, जिनकी शिनाख्त इनके रूप में हुई है। परिजनों के द्वारा किसी कुछ लोगों पर संदेह व्यक्त किया गया है, उनको हिरासत में लेकर पुलिस के द्वारा पूछताछ की जा रही है। मेरे द्वारा, SPRA द्वारा, CO साहबान द्वारा और जो यहाँ के थाना प्रभारी हैं, घटनास्थल निरीक्षण किया गया है। फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड के द्वारा भी निरीक्षण किया गया है। काफ़ी एविडेंस यहाँ से कलेक्ट किया गया है। परिजनों को FIR दर्ज कराने के लिए उनके द्वारा तहरीर दी जा रही है। जो भी तहरीर दी जाएगी उस पर मुकदमा लिखवा के जो भी लोग घटना में शामिल होंगे उनको गिरफ्तार करके कठोर कार्रवाई की जाएगी। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।